हेलो दोस्तों, देखिए ये लेटर के बारे में तो कल हमने बता ही दिया था। ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए जो आया है, तो इसमें जो नाम की सूचियां हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस सूची में 376 लोगों का नाम है। इस सूची में देखिए टोटल ये जो है किस जनपद से कितने लोग हुए हैं, पूरा सीरियल क्रम में दिया हुआ है कि एक जनपद में कितने लोग हुए हैं और इसके साथ में कि कौन किस कैटेगरी में है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो एक बच्चे का शुरुआत किया गया है शामली ज़िले से, और इसमें जो है तो देखिए शामली ज़िले से पहला नाम इनका है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, क्रम संख्या यानी यहाँ पे ये शामली लिखा हुआ है और शामली में कितने लोग हुए वो क्रम संख्या लिखा है, 1 से 7 लोग, यानी 7 लोग शामली से हुए हैं। इनका रोल नंबर लिखा है, आगे नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है, और चयनित वर्ग यानी किस वर्ग में आपका सिलेक्शन हुआ है, OBC में, जनरल में, SC में, ST में, और आपकी जाति कौन सी है, इतना डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो इस सूची में आप, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिनका नाम देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ एक एक पेज को, तो आप लोग इसको अपना नाम देखना है तो अपने ज़िले पे जा सकते हैं, और अपने ज़िले पे जा कर के उस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए और आपका नाम उसमें पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, या जो भी है तो है ही, जिनका हुआ है उनका तो होना ही है, और जो नाम नहीं है वो आपको पता है कि वो जो प्रोविजनल वाले बच्चे थे, 29 बच्चे, 29 बच्चे वो प्रोविजनल वाले बच्चे हैं जिनका नाम इसमें नहीं है, वो कुछ दिनों बाद, अभी जैसे 22-23 तारीख तक उनकी लास्ट डेट थी, तो 23 को उनको अंतिम पक्ष रखने का मौका दिया गया था, अपना जो भी डॉक्यूमेंट थे उनके अनकम्प्लीट थे उनको पूरा करने का मौका दिया गया है, इसके बाद उसमें से जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको बाहर कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, शामली, एटा, झांसी, इटावा, बलिया, बाराबंकी से केवल एक लोग हैं, बागपत, तो इतने लोगों की सूची पहले में ये दिया हुआ है। मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। बागपत के बाद बुलंदशहर, कौशाम्बी, कानपुर देहात से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, और ये सभी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, वो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन क्लास में हो, ठीक है। इलाहाबाद और कानपुर में जितनी भी लड़कियाँ हुई हैं, मैक्सिमम लोगों ने कोर्स लिया हुआ था और वो सभी लड़कियाँ इसमें हैं सिलेक्टेड। नीचे कानपुर नगर भी है और ठीक है, देखिए कुशीनगर, कन्नौज, मऊ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर एक ज़िले में, जैसे मिर्ज़ापुर में देखा जाए तो 9 लोगों का यहाँ पे नाम है, इसके बाद मुरादाबाद का है 1 से 7 तक। तो यहाँ पर आपका जोन, जिस जनपद के आप हों, उस पेज को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग इसमें जनरल के हैं, कितने OBC हैं, तो ये आप यहाँ पे जा करके इसको काउंट कर लें, जहाँ पर आप देख लें तो ये कैटेगरी लिखी हुई है, इससे जा करके आप काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे हुए हैं। वैसे जहाँ तक हमें लगता है कि जनरल के जो बच्चे हुए हैं वो 39 हैं, और एक बार मैंने ऐसे सरसरी निगाहों से देखा हुआ है, 39 लोग हैं, 39 लोग जनरल के, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर ये सूची है प्रयागराज की, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रयागराज में हुए हैं। देखिए प्रयागराज यहाँ से शुरू हो रहा है 1 नंबर से, और ये आ रहा है कहाँ तक, प्रयागराज में 75 बच्चे हुए हैं, केवल इलाहाबाद से 75 बच्चे हुए हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इलाहाबाद वालों का हुआ है, ठीक है। बाकी ये जिस जनपद के आप हैं, इस जनपद की सूची आप देख लें, इसमें आपका नाम है, तो इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है कि आपका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा, अभी कुछ लोगों के पास पहुंच गया, कुछ लोगों के पास पहुंच रहा है, तो ये पूरी सूची है आपकी।